सबको? यस सर। तो जो हम बेसिक एलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन का चैप्टर कर रहे हैं, तो आज उसके लास्ट क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे कैट के क्वेश्चंस और डेटा सफिशिएंसी के। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, कैट 2021, पिछले साल ही आया ये। अ बास्केट ऑफ टू एप्पल्स, फोर ऑरेंजेस एंड सिक्स मैंगोज कॉस्ट द सेम एज अ बास्केट ऑफ वन एप्पल, फोर ऑरेंजेस एंड एट मैंगोज। क्या मतलब हुआ इसका कि एक अगर हम बास्केट बनाते हैं जिसमें हम अगर दो एप्पल रख दें प्लस फोर ऑरेंजेस रख दें और सिक्स मैंगोज रख दें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो सेम है अगर हम एक बास्केट बनाते हैं जिसमें वन एप्पल हो, फोर ऑरेंजेस हो और एट मैंगोज हो, तो दोनों की कॉस्ट सेम है। और अब बास्केट ऑफ एट ऑरेंजेस एंड सेवन मैंगोज, या फिर हम एट ऑरेंजेस और सेवन मैंगोज की बनाते हैं, यानी ये तीन अलग अलग बास्केट्स हैं, तीनों बास्केट की कॉस्ट क्या है, सेम है। ये कह रहा है कि तीन बास्केट अगर हम जाते हैं किसी फ्रूट वाले के पास और उससे कहते हैं ये रख दो, तो वो तीनों की कॉस्ट जो लेगा वो सेम लेगा, ठीक है। इसमें हम ए ओ एम क्या मान रहे हैं, कॉस्ट ऑफ वन फ्रूट, यानी एक एप्पल की कॉस्ट है ए, तो दो एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी टू ए, एक ऑरेंज की कॉस्ट है ओ, तो चार ऑरेंजेस की कॉस्ट हो जाएगी फोर ओ, और एक ऑरेंज, एक मैंगो की कॉस्ट है एम, तो सिक्स मैंगोज की हो जाएगी सिक्स एम। तो ये टोटल कॉस्ट जो है ये तीनों बास्केट के सेम है। ये चीज क्लियर हो गई, पहला सेंटेंस क्लियर, क्या पूछा था इस क्वेश्चन में कैट का जो है कि बास्केट अगर हम बनवाएं तो तीनों बास्केट के सेम कॉस्ट है। क्लियर ये पहली लाइन सबको? यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या है, क्या चीज? थर्ड क्वेश्चन में जो आपने एटी लिखा है, थर्ड है एट ओ प्लस सेवन एम, ये थर्ड भी दिया है ना उसने, और अ बास्केट ऑफ एट ऑरेंजेस एंड सेवन मैंगोज, है वो एट एट्टी लग रहा। अच्छा अच्छा नहीं, ओ है, ये ओ है, एप्पल ऑरेंज और मैंगोज, तो एट ऑरेंजेस प्लस सेवन मैंगोज, तीनों बास्केट की कॉस्ट सेम है। तो वो कह रहा है ये बताओ सेम कॉस्ट की हम एक चौथी बास्केट बना रहे हैं, कॉस्ट सेम रखते हुए एक और बास्केट बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ क्या रखेंगे हम, मैंगोज। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने मैंगोज आएंगे उसमें, ठीक, चार ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें, 12, 13, 11, 10। क्या वो 12 मैंगो की बास्केट होगी या 13 मैंगोज की या 11 की या 10 की, कॉस्ट सेम रखनी है। क्वेश्चन क्लियर एकदम? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे दिए कि लग रहा है घुमा फिरा के, लेकिन थोड़ा सा तुम सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या करना है। तीन फ्रूट है, एप्पल, आंसर 13 है क्या? यस 13, वेरी गुड, ओके आंसर इज 13। देखो कैसे सोचेंगे हम, कैसे क्वेश्चन को हम प्रोसीड करें इसमें। देखो तीन फ्रूट है, एप्पल ऑरेंज मैंगोज, अगर हम ये निकाल लें कि एप्पल और मैंगो की कॉस्ट में क्या रिलेशन है और मैंगो और ऑरेंज की कॉस्ट में क्या रिलेशन है, तो हम एप्पल को कन्वर्ट कर सकते हैं मैंगोज में, ऑरेंज को कन्वर्ट कर सकते हैं मैंगोज में, तो हमें पता चल जाएगा कि बास्केट में कितने मैंगोज आएंगे। तो क्या करेंगे हम, इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, देखो तो यहां में क्या दिख रहा है, फोर ऑरेंजेस, और यहां भी क्या दिख रहा है, फोर ऑरेंजेस। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, भाई दोनों की कॉस्ट सेम है ना, ये 40 नहीं है, ये ध्यान रखना फोर ऑरेंजेस है सब, तो ऑरेंजेस जब हट गई तो हमें एप्पल और मैंगो में रिलेशन मिल जाएगा। इसको हम इधर ले आते हैं, यानी ए इज इक्वल टू, इसको इधर पहुंचा देते हैं,
एट माइनस सिक्स टू एप, यानी एक एप्पल की कॉस्ट क्या है, मैंगो की डबल कॉस्ट है। एप्पल और मैंगो का रिलेशन आ गया, अब क्या काम बचा, ऑरेंज और मैंगो का रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, बास्केट टू और थ्री वाली को आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो वन ए प्लस फोर ऑरेंजेस प्लस एट एम इज इक्वल टू एट ऑरेंजेस प्लस सेवन एम। अब क्या करें, इस एप्पल हमें पता है एप्पल कैन बी कन्वर्टेड टू मैंगोज, एप्पल मैंगोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जगह टू एम प्लस फोर ओ प्लस एट एम इज इक्वल टू एट ओ प्लस सेवन एम। तो ये होगा टू और एट टेन, फोर ऑरेंजेस प्लस टेन मैंगोज इज इक्वल टू एट ऑरेंजेस प्लस सेवन मैंगोज। ऑरेंजेस को इधर भेजते हैं और मैंगोज को इधर पहुंचा देते हैं, तो क्या होगा, फोर ऑरेंजेस इज इक्वल टू थ्री मैंगोज। तो फोर ऑरेंजेस इज इक्वल टू थ्री मैंगोज। तो हमारा काम हो गया, हमें मैंगो के टर्म में पता चल गया एप्पल की क्या कॉस्ट है और मैंगो के टर्म में ऑरेंज की कॉस्ट। अब किसी भी बास्केट में आप रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ज्यादा आसान क्या रखना है, क्योंकि कॉस्ट देखो बास्केट वन टू और थ्री तीनों बास्केट की कॉस्ट सेम है, तो सबसे इजी है बास्केट थ्री को चेंज करना। हमें क्या पता चल गया, फोर ऑरेंजेस इज इक्वल टू थ्री मैंगोज। ये चीज अगर इसमें हम रख दें तो एट ऑरेंजेस की कॉस्ट में हमें कितने मैंगोज मिलेंगे, सिक्स सिक्स। भाई फोर ऑरेंजेस की कॉस्ट में हमें मिल रहा है तीन मैंगोज, तो एट ऑरेंजेस में हमें कितने मिलेंगे, सिक्स मैंगोज। तो ये जो थर्ड नंबर की बास्केट थी, बास्केट थ्री, इसमें एट ऑरेंज की जगह हम उस फल वाले से कितने मैंगोज ले सकते हैं, सिक्स। तो वी कैन राइट सिक्स मैंगो प्लस सेवन मैंगो, तो वो बास्केट कितने मैंगोज की बन जाएगी, थर्टीन मैंगोज। आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। क्लियर क्वेश्चन ये? यस सर। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन था कैट का, आगे बढ़ते हैं। कैट 2020, ये तो देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। के कांस्टेंट है, दो इक्वेशन है और क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री और फोर एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू फोर, ये दो इक्वेशन है, इनका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई। यस, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हम रेशियो ले लेते हैं, तो वो जगह के बाई फोर, ये नॉट इक्वल होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वाई के रेशियोस के। तो हमें पता चल गया कि ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये कंडीशन होगी के बाई फोर शुड नॉट इक्वल टू वन बाई के। तो ये नॉट इक्वल बस बीच में रखे रहो, जैसा नॉर्मल ऑपरेशन करते वैसे ही हो जाएगा, k इधर जाएगा फोर इधर आएगा, k स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू फोर, ये रिलेशन मिल गई हमें। अब बताओ कौन से ऑप्शन से मैच करेगी ये k स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, c ऑप्शन नंबर c। देखो यहां एक नई चीज आई है जो अभी तक मतलब हमने पढ़ी नहीं है, नेक्स्ट वीक की क्लास में हम पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। हम इसे कहते हैं मॉड। तो ये मॉड के का मतलब होता है माइनस के या फिर प्लस के, दोनों सेंस में हम कह सकते हैं। अगर k निगेटिव है तो हम इसे रीड करेंगे माइनस k, इफ k इज निगेटिव, और अगर k पॉजिटिव है तो हम इसे रीड करेंगे प्लस k, k इज पॉजिटिव। तो यहां ये मॉड करके जो लिखा है, मॉड k इज इक्वल टू
या फिर ये ले लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का क्या मतलब है, मॉड के इज इक्वल टू टू। इसका मतलब ये होगा कि k की वैल्यू माइनस टू हो सकती या फिर k की वैल्यू टू हो सकती। एक्चुअली मॉड फंक्शन क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर मैं माइनस टू रखूंगा तो माइनस टू मॉड भी टू आएगा और प्लस टू होगा तो वो भी टू आएगा। तो मॉड k का मतलब दो वैल्यूज हो रही है। तो हमें क्या पता चला, k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू फोर, यानी k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, k की ऐसी वैल्यू होनी नहीं होनी चाहिए जिसका स्क्वायर फोर हो। तो k टू भी नहीं हो सकता और k क्या नहीं हो सकता, माइनस टू। k की ये दो वैल्यू पॉसिबल या अलाउड नहीं है। अगर k की वैल्यू टू या माइनस टू हो जाएगी तो इन दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि तब x के कोफिशियंट का रेशियो और y के कोफिशियंट का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। तो k चाहे यहां मैं माइनस टू रख दूं तब भी ये सेम हो जाएंगे, k टू रख दूंगा तब भी सेम हो जाएंगे। तो k ना तो टू हो सकता ना ही माइनस टू हो सकता, तो इसे हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ k टू नहीं होना चाहिए। सो दिस ऑप्शन सी इज आंसर। सर जैसे k इज नॉट इक्वल टू ऐसे भी तो लिखते प्लस माइनस टू, तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। बस उसको एक मॉड के फंक्शन में लिख दिया, वरना है वही k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू। ये नेक्स्ट वीक की हमारी क्लास होगी, उसमें मॉडुलस फंक्शन आएंगे, तब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लो कि मॉडुलस क्या फंक्शन होता है, विच ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। माइनस थ्री मॉड लिखोगे तो वो थ्री हो जाएगा और प्लस थ्री है तो वो थ्री रहेगा। क्लियर ऑप्शन सी, के इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया था, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा इक्वेशन में फंसाने की कोशिश की। अरुण बॉट सम पेंसिल्स एंड शार्पनर, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अरुण, आदित्य बॉट ट्वाइस एज मैनी पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर। ये देखो लैंग्वेज रीड करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैट के क्वेश्चंस में। अरुण ने क्या करा, कुछ पेंसिल और शार्पनर खरीदे उतने ही पैसे में, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, उतने ही पैसे में जितने की अरुण ने खर्च किए थे। आदित्य ने क्या खरीदे, ट्वाइस एज मैनी पेंसिल, यानी जितनी अरुण ने पेंसिल खरीदी थी उसका डबल, और जितने अरुण ने शार्पनर खरीदे थे उससे 10 कम शार्पनर खरीदे सेम अमाउंट ऑफ मनी में। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है। फिर वो कह रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज टू मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, शार्पनर की कॉस्ट जो है वो पेंसिल की कॉस्ट से ₹2 ज्यादा है, तो बताओ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल बॉट बाय अरुण एंड आदित्य टुगेदर। तो देखो शुरू करने के लिए हमारे पास ये लाइन अच्छी थी, कॉस्ट ऑफ शार्पनर इज टू मोर देन कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ कौन सी की कम है, पेंसिल की कम है या शार्पनर की कम है, पेंसिल की। तो हम हमेशा जो कम होता है उसे एज्यूम करते हैं, लेस्ट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो शार्पनर की कितनी हो गई, 2x, टू मोर, डबल नहीं है, टू मोर, x plus 2। गुड। तो देखो हम हमेशा जब भी तुम्हें एज्यूम करने की कोई भी सिचुएशन आएगी तो हमेशा छोटी वैल्यू को एज्यूम करो ताकि बिगर वैल्यू प्लस में कुछ बने। ऐसी जब मल्टीप्लाई या डिवीजन होता तब हम छोटी वैल्यू को मानते हैं ताकि मल्टीप्लाई में आए। तो हम हमेशा प्रिफर करते हैं प्लस एडिशन को ओवर सब्ट्रैक्शन। आंसर 30 होगा क्या, 30
33 है, क्लोज है। देखो एक चीज और चेक करो लास्ट में, मिनिमम पॉसिबल पूछ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स, कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज एक्स प्लस टू। अब वो क्या कह रहा है कि अरुण ने कुछ पेंसिल और शार्पनर खरीदे। अब हमें ये नहीं पता अरुण ने कितने खरीदे, तो हम मान लेते हैं अरुण ने जो पैसे खर्च किए वो किए, पेंसिल की एक कॉस्ट है एक्स, तो हम मान लेते हैं उसने पी नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी, तो उसके टोटल कितने खर्च हो गए, एक्स इंटू पी। प्लस शार्पनर की कॉस्ट है एक्स प्लस टू, और शार्पनर हमने मान लिए खरीदे एस, तो ये अरुण के टोटल खर्चा हो गया, अरुण का इतना खर्चा हुआ। इतने ही अमाउंट में, सेम अमाउंट में आदित्य ने कितने खरीद लिए, क्या दिया है आदित्य ने, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल, यानी अरुण ने जितनी पेंसिल खरीदी थी उसका डबल। तो अरुण ने कितनी खरीदी, पी, तो आदित्य ने कितनी खरीदी, टू पी, और हर एक पेंसिल की कॉस्ट है एक्स, तो पेंसिल खरीदने पे उसके टू पी एक्स रुपीज खर्च हो गए। प्लस शार्पनर कितने खरीदे उसने, टेन लेस शार्पनर, यानी जितने अरुण खरीद रहा था उससे दस कम, तो अरुण खरीद रहा था एस, तो इसने कितने खरीदे एस माइनस टेन, और हर एक शार्पनर की कॉस्ट है एक्स प्लस। तो ये अरुण के इतने रुपए खर्च हुए और ये आदित्य के खर्च हुए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों के सेम अमाउंट है, जितने अरुण खर्च कर रहा है उतने ही आदित्य कर रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक्स पी प्लस, इसे ओपन कर लेते हैं, एक्स एस प्लस टू एस इज इक्वल टू आदित्य खर्च कर रहा है टू पी एक्स प्लस एस माइनस टेन की मल्टीप्लाई, एक्स एस माइनस टेन एक्स प्लस टू एस माइनस ट्वेंटी। तो देखो ये वेरिएबल देख के घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा, अपना लॉजिक रख के क्वेश्चन प्रोसीड करते चले जाओ। अमाउंट खर्च हो रही है तो अमाउंट दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक कॉस्ट पे डिपेंड करती है कि भाई क्या कॉस्ट है, और एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ आइटम्स पर। तो यहां में कुछ भी नहीं दिया था, बस आपस में एक रिलेशन थी, तो हमने सबके लिए अलग अलग वेरिएबल ले लिया। पी और एस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ शार्पनर, और कॉस्ट है एक्स और एक्स प्लस टू। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, इसको इधर पहुंचा देते हैं और 20 को इधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो गया 2px में से x भी गए, तो px माइनस 10x इज इक्वल टू 20। तो फिर हम कह सकते हैं पूछा क्या है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल हम रिप्रेजेंट कर रहे थे p से, तो नंबर ऑफ पेंसिल के लिए हम p है, तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन p माइनस 10, ये रिलेशन बन रही लास्ट में, है ना। भाई x सिंप्लीफाई होके आया, अब ये फाइनल आ गया। अब इस इंफॉर्मेशन, इस इक्वेशन को तुम्हें समझना है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बेस पे आंसर देना है मिनिमम पॉसिबल नंबर। अरुण एंड आदित्य टुगेदर, अरुण एंड आदित्य टुगेदर कितना हो गया, अरुण ने कितनी खरीदी थी पी, आदित्य ने कितनी पेंसिल खरीदी उसकी डबल टू पी, तो दोनों मिलके कितनी हो गई थ्री पी। वो कह रहा है थ्री पी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो क्या वैल्यू हो सकती है, x इज इक्वल टू 20 ओवर p माइनस 10। देखो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये समझो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल यानी कॉस्ट है, तो ये भी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और P माइनस, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर। तो ये बताओ अगर X को मुझे पॉजिटिव रखना है और P भी पॉजिटिव रखना है तो P की क्या हो सकती है मिनिमम वैल्यू, 10। देखो 10 पर क्या होगा, अगर मैं P ले लेता हूं 10 तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 20 ओवर 10 माइनस 10 यानी 0। 20 ओवर 0 का क्या मतलब होता है, 20 अपॉन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हमने डिस्कस भी किया था, 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड, यानी p 10 नहीं हो सकता, तो अगली वैल्यू क्या होगी p की, 10 से बड़ा नंबर 11, 11। भाई देखो P क्या है, P नंबर ऑफ पेंसिल है, तो डेसिमल नहीं हो सकता, 10.1, 10.2 ये सब नहीं हो सकती, हमें 10 के बाद अगली वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 11। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है P की, दिस इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ P, इससे ऊपर कोई भी वैल्यू लोगे इससे बड़ी आएगी, मिनिमम नहीं होगी। और दोनों ने मिलके कितनी खरीदी, एक ने P एक ने 2P यानी 3P, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 33। सर इसमें अगर मैक्सिमम पूछता है यहाँ पे तो आंसर क्या होता है, मैक्सिमम नहीं बता पाते हम, मैक्सिमम नहीं बता पाते क्योंकि P की वैल्यू कितनी भी बड़ी करते रहो X निगेटिव नहीं होगा, छोटा तो होता चला जाएगा बट नेगेटिव पे नहीं आएगा, तो हम उस केस में नहीं बता पाते, उसके लिए फिर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन दी होती है एक्स के टर्म में, कॉस्ट के टर्म में, कि इतने से कम नहीं हो सकती कॉस्ट, तब हम पे मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर, ये कोई डाउट किसी स्टेप पर, अब आते हैं देखो यही नंबर ऑफ पेयर्स वाला जो कल की क्लास में लास्ट में डिस्कस किया था उसी पर क्वेश्चन है कैट 2020 का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 99। तो पहली चीज देखो क्या दिया है, पहली चीज हम हमेशा क्या चेक करेंगे कि कहीं होल नंबर पॉजिटिव नंबर ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा, नेचुरल नंबर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें, हमें क्या दिख रहा है सीधे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता, अगर सिर्फ इंटीजर होता तो हमें पता है इंटीजर में कोई लिमिट नहीं होती क्योंकि वो प्लस माइनस। हेलो, तो प्लस या माइनस में इनफाइनाइट होते हैं, बट यहां पर एक ये कंडीशन दे दी है देखो, यानी ये जो कंडीशन है ये तुम्हारे सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं लिमिट करेगा, तभी तुम बता पाओगे आंसर। ठीक है, तो ये इंटीजर है, ये कंडीशन है जो कि रेस्ट्रिक्ट करेगी नंबर ऑफ पेयर्स, ये कैट 2020 टाइपिंग द इंटीजर वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी नहीं है इसमें, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि टाइप करना। तो क्या करते हैं हम ऐसे में, कल की क्लास में सब किया था, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 99 फर्स्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देखेंगे ये रिड्यूसिबल फॉर्म में है या नहीं, तो ये अपने मिनिमम फॉर्म में है, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, 2x plus 5y is equal to 99। तो सबसे पहले अब हमारे स्टेप क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या समझ में आ रहा है, x पे सॉल्यूशन कितने पे मिलेगा, कौन सी एवरी वैल्यू पे मिलेगा, सर फिफ्थ वैल्यू, वेरी गुड, एवरी फिफ्थ वैल्यू पे, और वाई के टर्म में एवरी टू वैल्यू, सेकंड वैल्यू, एवरी सेकंड वैल्यू। भाई वाई जो होता है वो एक्स के कोफिशिएंट के हिसाब से चेंज होता है,
और एक्स जो होता है वो वाई के कोफिशियंट के हिसाब से चेंज होता है, और बीच में प्लस है, यानी अगर एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज, वेरी गुड। या फिर एक्स को डिक्रीज करेंगे तो वाई क्या होगा, इंक्रीज। तो ये सारी चीजें हमें इक्वेशन देख के फौरन समझ में आ रही है। 2x plus 5y, यानी हर फिफ्थ वैल्यू पे x चेंज होगा, सॉल्यूशन देगा, और y हर सेकंड वैल्यू पे, x और y अपोजिट चलेंगे। अगर x को इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज, x को डिक्रीज करेंगे तो y इंक्रीज। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा ज्यादा आसान है, x को से चेक करें y से चेक करें? y से सर, y से सर, y से, वेरी गुड। तो y हर सेकंड वैल्यू, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यू रखोगे दोनों में से एक सॉल्यूशन जरूर होगा इसका, और इंटीजर रखने सारे। तो वाई देखो, ये हम वाई की अब कंडीशन देखते हैं, हम कंडीशन हमें दो दिया है, एक्स या तो वाई के बराबर हो या बड़ा होगा, और वाई जो है वो माइनस ट्वेंटी के बराबर होगा या बड़ा होगा माइनस ट्वेंटी से। तो पहली वैल्यू क्या रख के चेक कर ले, वाई की वैल्यू चेक करनी है तो माइनस ट्वेंटी ले ले, फिर वैल्यू बढ़ाते चलेंगे। तो क्या सॉल्यूशन मिल रहा है हमें वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी पे अगर हम रखें, तो ये हो जाएगा माइनस हंड्रेड, इधर आएगा 199, यानी हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 199। सॉल्यूशन नहीं है, इंटीजर नहीं बनेगा x, इंटीजर सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगली वैल्यू क्या ले ले, y माइनस ट्वेंटी से बड़ा है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस नाइनटी, माइनस एटी सर, एटी नहीं है क्यों, ट्वेंटी पर सॉल्यूशन नहीं, वाई तो टू के हिसाब से चेंज होगा ना सर, एक्स के कोफिशिएंट में। टू पे सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन अभी पहला कहाँ मिला है हमें, पहले पहले फर्स्ट सॉल्यूशन तो निकाल लो। यस सर, यस सर, ओके सर। तो y is equal to minus 19, तो minus 19 into 5 is minus 95, और ये इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 95 plus 99 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी x 194 by 2, तो ये x की वैल्यू आ गई 97। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, यानी हम कह सकते हैं x इधर रखें y इधर रखें, तो y की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू जिस पे सॉल्यूशन है माइनस 19, और x क्या है उस पे 97। अब ये कैसे चेंज होगा, हर सेकंड पे y चेंज होगा, यानी माइनस 19 के बाद माइनस 17, माइनस 15, इस तरीके से चलेगा। और x कैसे चेंज होगा, हर फिफ्थ वैल्यू पे, तो y इंक्रीज हो रहा है प्लस 2 से, तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा कितने से, माइनस 5 से, यानी 94। ये दूसरा सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, फिर माइनस फाइव कर दो, नाइनटी सेवन के बाद फाइव माइनस करना है तो 92 होगा, 92 माइनस फाइव 87, इस तरीके से चलेगा, ऐसे ही आएगा। यस सर, ठीक है। अब लेकिन कहीं ना कहीं जाके लिमिट होना है, अब लिमिट होने के लिए कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली हेल्प करेगी। एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, वाई के बराबर हो या बड़ा हो, वो एक्स कभी छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि वाई इंक्रीज होता जा रहा है और एक्स डिक्रीज होता जा रहा है, तो कोई ना कोई वैल्यू ऐसी जरूर आएगी जहां पर एक्स छोटा हो जाएगा वाई से, तो बस हमें उससे पहले रुक जाना है, समझ गए। लिमिट कैसे हो रहा है, इस कंडीशन से लिमिट हो रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई कहां तक जा सकते हैं, हम क्या करते हैं,
सबसे सही तरीका, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आगे की कोई एक वैल्यू लेके निकाल लो एक्स और वाई क्या रहा है। मान लो कि भाई ये 2 2 2 करके चल रहे हैं, ये सारे ऑड नंबर चल रहे हैं, तो कोई ऑड ऐसे ले लेते हैं, मान लो 11 ले लेते हैं वाई, तो वाई 11 पे एक्स कितना आ रहा है ये देख लो। y अगर 11 इसमें रख दे 2x plus 5y 99, तो 55 99 में से 55 माइनस हुए 44, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 55 इधर माइनस हुआ 44 by 2 22। अभी भी x क्या है देखो बड़ा है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, इसमें प्लस 2 ऐड हो रहा होगा 13 और इसमें से माइनस 5 हो रहा होगा 17, अभी भी बड़ा है। अब जब अगली वैल्यू लेंगे हम 15, तो यहां क्या हो जाएगा 12। इस पॉइंट पर आके हम रुक जाएंगे क्योंकि अब ये अलाउड नहीं है, तो हमारे सॉल्यूशन कितने हो गए, यहां तक लिमिट हो गए। अब ये पता करना है ये कितने सॉल्यूशन है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिले, कैसे पता चलेगा। एपी से सर, लास्ट नंबर एपी से सर, एपी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और किसको लिमिट कर लेंगे हम, एक्स से निकाल लेते हैं कि भाई दो एपी हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, हम एक्स को ले लेते हैं कि भाई 97 से चले तो एक्स की एपी बन रही है 97 92 87, कहां तक जा रही है लास्ट 17, तो ये कितने टर्म्स होंगे, हाउ मेनी टर्म्स। तो एक एपी वाले से भी कर सकते हो या फिर एक उससे भी थोड़ा सा छोटा मेथड है, अगर तुम्हें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होते हैं तो क्या करो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 97 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, माइनस 5 प्लस 1, इतने नंबर ऑफ टर्म्स है ये, तो 17 माइनस 97 इज माइनस 80, माइनस 80 डिवाइडेड बाय माइनस 5 16 एंड 1 72, यानी इस इक्वेशन के गिवन कंडीशन के हिसाब से कितने इंटीजर सॉल्यूशन आएंगे 70। ये y वाली एपी से भी हम कर सकते थे, y वाली एपी का लास्ट टर्म क्या है 13, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 19, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस इज 2 और प्लस 1, तो 13 प्लस 19 हो जाएगा ये 32, 32 बाई 2 इज 16, तो 16 प्लस 1 कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं 17, तो आंसर क्या हो जाएगा 17, क्लियर। तो ये सॉल्यूशन है, तो हमेशा फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं जो जितना कम वैल्यू पे चेंज हो रहा होता है उसी के हिसाब से, और फिर गिवन कंडीशन के हिसाब से हम देख लेते हैं कहां रुक जाना, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, फिर ये एक लास्ट क्वेश्चन है, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन देखो आ जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 1 upon a plus 1 upon b is equal to 1 upon 9, तो इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है, यानी a और b हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर हो और पॉजिटिव। तो एक चीज तो ये दे दी और दूसरी चीज ये कंडीशन दे रखी कि a शुड बी लेस देन इक्वल टू b, यानी b a से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो बताओ इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, तो ये कैट के कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत होते हैं। सीधे क्या करना होता है इसमें, एलसीएम हम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा ए बी, दिस विल बी ए प्लस बी
इजिकल टू वन अपॉन नाइन, नाइन से इधर मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया नाइन ए प्लस नाइन बी इजिकल टू ए बी। इसे हम लिख लेंगे नाइन ए प्लस नाइन बी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अब सिर्फ क्या करना होता है यहां पर, 9 और 9 की मल्टीप्लाईज 81, तो हम सिर्फ क्या करेंगे यहां पर 81 ऐड करो और 81 सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम इक्वेशन में 81 ऐड किया, 81 माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके हम कर लेते हैं फैक्टर। देखो 9a अगर मैं इसमें से फैक्टर निकालूं तो क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा 9 माइनस बी, ये आ जाएगा 9a माइनस ए बी अगर a कॉमन लू तो। यस सर, ठीक है। अब जो दूसरा मुझे फैक्टर ऐसे लेना है कि 9 माइनस बी आ जाए, तो किस में से ले ले भाई, एक तो b वाला चाहिए और एक दिस 81। तो देखो इसमें से 9 माइनस बी बनाना है तो मैं कॉमन लूंगा माइनस बी, प्लस बी, ये हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे ना, मतलब 9 कॉमन। यस यस, देखो क्वाड्रेटिक में जब भी ये जो फैक्टर बन जाता है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जब दूसरा जो हम टर्म कॉमन ले तो सेम चीज कॉमन आए, तो मुझे ऐसे फैक्टर लेने कि मुझे 9 माइनस बी अंदर ब्रैकेट में कॉमन दिख जाए। तो 9 माइनस बी तभी हो सकता है जब बी इसके अंदर है 9 और एक दूसरा टर्म, क्योंकि ये देखो दोनों अपोजिट साइन के 9 और बी, एक 9 पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो प्लस माइनस 81 और 9 बी माइनस 81 के साथ लेते, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूं तो ये बी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, 9 माइनस बी इक्वल टू, और यहां पर क्या बचा था प्लस 81, इसको मैं पचा देता हूं इस तरह, तो ये कॉमन लेके आ गया 9 माइनस बी इंटू ए माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 81। अब ये माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए माइनस 9 इंटू बी माइनस 9 इज इक्वल टू 81। बस ये सारा जो प्लस माइनस हमने सब कुछ किया है वो सिर्फ इस टाइप का फैक्टर बनाने के लिए किया, दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इज 81। अब 81 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है ना हमें, या तो 1 इंटू 81 या फिर 3 इंटू 27 या फिर 5 6 7 8 9 9 इंटू 9, ये तीन फैक्टर आएंगे 81 के। तो a माइनस 9 इंटू बी माइनस 9 इन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन हमें देखना है, और इस कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई करते हुए हमें सॉल्यूशन पता चल जाएगा। a भी पॉजिटिव भी रहने चाहिए इंटीजर, और a b से छोटा या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता ये। तो हम कैसे ले, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, केस वन a माइनस 9 इक्वल टू 1 और b माइनस 9 इज इक्वल टू 81, पहला ये हो सकता है सॉल्यूशन, यानी a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 90, फर्स्ट सॉल्यूशन हमें ऐसा मिलेगा। सेकंड 3 इंटू 27,
ए क्योंकि छोटा है इसलिए हम इसको इक्वल टू 3 कर रहे हैं, और बी की वैल्यू ज्यादा है इसलिए हम इसको 27 कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू 36। सेकेंड सॉल्यूशन, थर्ड ए माइनस 9 इज इक्वल टू 9 और बी माइनस 9 इज इक्वल टू 9। तो ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 18। तो क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी कि इक्वल भी हो सकते हैं ए और बी, तो ये वाला सॉल्यूशन भी अलाउड है। तो कितने सॉल्यूशन हो गए हमारे पास, 1, 2, 3। तो आंसर इज सर यहाँ से बता दीजिए जरा, ये +81 और -81 से नीचे जो स्टेप लिया है, तो प्लस का 81 उधर क्यों गया? देखो, जब मैंने यहां से ए कॉमन लिया पहले इससे फैक्टर से, तो मुझे क्या मिला, ए इंटू 9 माइनस बी। सर तुम यस माइनस बोलो। एटी वन हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, उसी पे ही हूँ। के लिए किए हैं। हाँ, ब्रेक हो रही है मतिया, तुम्हारी आवाज ब्रेक होके आ रही है। ये क्यों करा है 81 81 प्लस माइनस? यस सर। अच्छा देखो, ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मतलब हो सकता है पहली बार देख रहा हो तो लग रहा है कि बहुत अलग क्वेश्चन है, लेकिन जब तुम कैट के प्रीवियस ईयर या देखोगे तो ये एक उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जैसे 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/5, इसके बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इसे करने का ये इजी मेथड है, 1/a 1/b इज इक्वल टू 1/5 होता तो पहले हम एलसीएम ऐसे लेते, फिर वहां 5a 5b आ जाता, तो हम प्लस माइनस क्या करते हैं 25 25। यहां पे 9 है तो ये 9a 9 भी बन रहा है, तो 9 into 9 81, ताकि हमारा ये फैक्टर बन जाए इस तरीके से, क्योंकि हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे इस इक्वेशन के, तो सॉल्यूशन ए और बी कैसे निकालोगे, एक ही इक्वेशन है ना, तो कैसे निकल सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि हमें पता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 81 है, तो दो नंबर की प्रोडक्ट इज 81, तो ए और बी इनमें से कुछ हो सकता है, क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन है, फ्रैक्शन वगैरह अगर कुछ होते तो हम नहीं बता पाते, लेकिन हमें पता है ये क्या इंटीजर है, यानी ए और बी 1 2 3 4 5 प्लस या माइनस में यही सब कुछ होंगे, तो ये बताना इजी है। तो हमने कहा है कि तीन ही कॉम्बिनेशन बनना है, पॉजिटिव इंटीजर के तीन कॉम्बिनेशन है, या तो 1 into 81 होगा, या 3 into 27 होगा, या 9 into 9। तो ए और बी क्या होंगे, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन आ गए, ये हमने रख दिया यहाँ, जैसे a 10 b 90, तो ए की जगह 10 रख दो और बी की जगह 90 रख दो, तुम्हें 1/9 मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से तीन सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ये +81 -81 इसलिए कि ये 9 - b है, तो हमें दूसरी जगह जो दूसरा फैक्टर बनेगा उसमें भी 9 - b ही चाहिए, तभी ये 9 - b पूरा कॉमन आता है। क्लियर? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। सर अब आते हैं वही हमारे डीएस के क्वेश्चन। तो वही पहला ऑप्शन क्या है, अगर किसी एक से भी स्टेटमेंट से दे सकते हैं, या फिर S1 से नहीं दे सकते, S2 से दे सकते हैं, ऑप्शन 2 दोनों से अलग अलग दे सकते हैं हम आंसर, S1 भी सफिशियंट है S2 भी सफिशियंट है, ऑप्शन 3 दोनों मिलके तो सफिशियंट है बट अलग अलग अपने आप में ना, तो S1 सफिशियंट है ना S2, ऑप्शन 4 दोनों को मिलके भी आंसर नहीं दे सकते, नॉट सफिशियंट। जैसे ये है क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए,
2x plus 3y की। स्टेटमेंट वन को यूज करते हैं, स्टेटमेंट वन कह रहा है x by 2 plus 3y by 4 is equal to 1। तो क्या इससे हम 2x plus 3y की वैल्यू निकाल सकते हैं? No, sir. ऊपर वाले क्वेश्चन तो यूज कर सकते हैं ना सर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, इसी की वैल्यू बतानी है 2x plus 3y। x और y की अलग अलग नहीं बतानी, 2x plus 3y। यस सर, बता सकते हैं। गुड, तो क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 और 4 है तो 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल, ये हो गया 2x plus 3y is equal to 1। तो हम बता सकते हैं वैल्यू, अब दिख रहा है सीधे 4 हो गया, यानी s1 alone is sufficient। अब आते हैं s2 पर, s2 क्या कह रहा है, 9y plus 6x is equal to 12। तो क्या हम 2x plus 3y की बता सकते हैं वैल्यू? यस सर। भाई देखो, उसने पहले वो लिख दिया 6x plus 9y is equal to 12, हमें यह दिख रहा है 2x plus 3y। तो अगर 3 कॉमन ले ले हम, तो यही इक्वेशन आ गई, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यानी हमारा आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन? गुड, ऑप्शन टू। एस वन एलोन इज सफिशियंट एंड एस टू एलोन इज ऑल्सो सफिशियंट। एस वन से आंसर भी मिल जाएगा, एस टू से भी मिल जाएगा, तो दोनों अपने आप में सफिशियंट है। सर, इसी में अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग को इंडिविजुअल एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी होती, तो आपने पहले वाली क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है एलसीएम लेकर के, तो फिर उसको तो हम लोग एलसीएम नहीं ना ले सकते, वो मतलब ये डिवाइड में है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई में करना पड़ता 2x और 12y करके, फिर इन दोनों को मिला करके सॉल्व करना पड़ता। नहीं, अगर इंडिविजुअल की बात होती तो इंडिविजुअल हम नहीं बता सकते थे इसमें, 2x plus 3y की बता सकते हैं। नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, जैसे कि ये नीचे जो आपने स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दिया है, उन दोनों को यूज करके अगर हम लोग को x एंड y की वैल्यू पता करना होता, तो ये पहला वाला जो इक्वेशन है, ये तो मतलब x by 2 और 3y by 2 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता ना हम लोग को। हाँ, हाँ, ये तो स्टैंड फॉर्म में कैसे किया जाता है सर, ये जो 2 डिवाइड में, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कर देंगे या फिर x by 2 को a मान लेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इक्वल टू 4, ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। सर, तो ये पहले वाली इक्वेशन को अगर ऐसे मतलब नॉर्मली जो डिवाइड है उसमें मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी यही चीज आ जाएगी। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में अगर चेंज कर देंगे, तो फिर सेम ही रहता है हमारा ये। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा बस। यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, स्टेटमेंट वन कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 22। क्या इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब? नो सर। नहीं, फार्मूला क्या होता है? अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बार लिख लेते हैं, तो याद रहेगा। सर, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आइडेंटिटी सब याद रखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज दिस। अब हमें क्या पता चल रहा है स्टेटमेंट वन से, सिर्फ ये पता चला इतना पार्ट, ना हमें ए प्लस बी पता चल रहा ना ए बी, तो हम नहीं बता सकते, नॉट सफिशियंट। स्टेटमेंट टू पर आते हैं, स्टेटमेंट टू कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 3। तो जब स्टेटमेंट टू रीड करेंगे तो सिर्फ स्टेटमेंट टू की बात होगी, यानी अभी हमें अब ये नहीं पता, अब सिर्फ क्या पता है ये
क्या इसके बेस पे हम ए क्यू प्लस बी क्यू बता सकते हैं? नो सर। तो वन भी सफिशियंट नहीं है, टू भी सफिशियंट नहीं। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है? दोनों को कंबाइन करना। अगर इससे पता चल गया तो पता चल जाएगा, वरना फिर ऑप्शन फोर इज अवर आंसर। यानी अब इन दोनों को आप यूज कर सकते हो एक साथ। तो क्या आप बता सकते हैं? यस सर। नो सर। ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्या क्या पता चल गया हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल गया और ए बी पता चल गया। अब क्या बच रहा है? ए प्लस बी। सर उस सेकंड वाले से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो उसमें ए प्लस बी भी आ जाएगा। देखो इन दोनों को जब हम हेल्प करेंगे, तो अगर सीधे हम इक्वेशन में रखने की कोशिश करें आइडेंटिटी में, तो हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है और ए भी पता है, ए प्लस बी नहीं पता। बट इन दोनों को फिर से एक बार जरा ध्यान से देखो, इससे हम ए प्लस बी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। हमें ये भी पता है और ए बी भी पता है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी ए प्लस बी निकाल सकते हैं। निकालना नहीं है, देखो सॉल्व नहीं कर रहा मैं कोई भी। सर कौन सा फॉर्मूला ये लिखा है सर? ये कैसे बना सर ए प्लस बी का होल का सर? ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं सर, यही वाला कैसे बना जो आपने नीचे बनाया है ये? ओ सॉरी, दिस वन प्लस टू ए बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमें ए बी की वैल्यू पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पता है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी आ जाएगा। ये सर आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, तो ये सारी चीजें पता चल गई। यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थ्री। एस वन प्लस एस टू इज सफिशियंट, ना एस वन अलोन सफिशियंट है ना एस टू अलोन। देखो सॉल्व नहीं करना होता, मैंने सिर्फ इसलिए फार्मूला लग के तुम्हें बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे आ जाएगा। कभी भी एग्जाम में सॉल्व करने में मत जाना डीएस के क्वेश्चन में, कि तुम ये आइडेंटिटी लिखो और बस देख लो कि हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ए बी पता है, तो ये आ जाएगा तो ए प्लस बी भी आ जाएगी वैल्यू, और बाकी ये डायरेक्ट तो हमें पता ही है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना होता, कभी भी डीएस में सॉल्व नहीं करना होता। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इज एक्स इजिकल टू वाई, क्या हम बता सकते हैं एक्स इजिकल टू वाई है? अगर स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन कह रहा है एक्स प्लस वाई इंटू वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू फोर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। एक्स प्लस वाई यहां पर क्या हो जाएगा? एलसीएम, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। यानी ये हो गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मिल गया हमें? देखो यहाँ हमें पूरी आइडेंटिटी सॉल्व करनी पड़ गई, क्वेश्चन ऐसा फंसा दिया था कि करना पड़ा, क्योंकि हमें देख के नहीं पता चल रहा था कि एक्स वाई इक्वल है या नहीं, तो यहाँ करना पड़ गया। जहां तक अवॉइड हो सके वहां तक डीएस में अवॉइड करा करो। तो पहला स्टेटमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तभी ये इक्वल टू फोर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट कि यस, अगर कोई भी दो नंबर है जिनका x प्लस वाई और 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की प्रोडक्ट 4 है, वो तभी हो सकती है जब x और y आपस में बराबर हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। सही है पहला स्टेटमेंट, सफिशियंट है? यस सर। अब आ जाओ टू पर। टू क्या कह रहा है जरा इसको समझो।
एक्स माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 50 का स्क्वायर। क्या ये भी तभी ट्रू होगा जब x इज इक्वल टू वाई हो, या कोई और कंडीशन भी हो सकती है? सर ट्रू होगा, ट्रू होगा। देखो ये ट्रू नहीं है, इसमें एक छोटी सी चीज है। एक तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, या तो स्क्वायर लेके करूं, वो लेंथी हो रहा है। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। बस यहीं पर इसकी ट्रिक थी। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 50। देखो ये स्क्वायर को फिर से अच्छे से समझ लो, अगर कहीं भी ऐसे लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? ये कंडीशन x इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होती है, और x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि मैं 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं और माइनस 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो दोनों वैल्यू, जब दोनों तरफ स्क्वायर होते हैं और हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमें हमेशा ऐसे लिखना चाहिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस। सही प्रॉपर वे यही है लिखने का। हो सकता है कि क्वेश्चन के हिसाब से उसकी निगेटिव वैल्यू ना आती हो तो हम सीधे पॉजिटिव लिख दें, बट दोनों तरफ स्क्वायर रूट का मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा और निगेटिव, यानी जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो x माइनस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 50। तो दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी, एक मिलेगी जब प्लस होगा, तो इससे तो सीधे सीधे आ रहा है x इज इक्वल टू वाई, बट एक वैल्यू ऐसी भी होगी जब ये माइनस होगा, यानी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 50, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यानी अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यानी अगर मैं यहां पर x ले लूं 60, 60 माइनस 50 का स्क्वायर, और y में ले लेता हूं 100 माइनस 60 यानी कि 40, 40 माइनस 50 का स्क्वायर, तब भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। एक 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो s2 alone is not sufficient, तो याद ये रहेगा, स्क्वायर वाली चीज जब भी स्क्वायर रूट लेनी है हमेशा दोनों साइन दिमाग में रखना, प्लस माइनस दोनों होंगे वहां पर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो मैं y की वैल्यू लिखूंगा प्लस माइनस 10, दोनों का स्क्वायर 100 होगा, ठीक है? तो आंसर क्या होगा इसमें, विच ऑप्शन? ऑप्शन वन। यानी एक स्टेटमेंट सफिशिएंट है बट अदर स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन 9, विच कार गिव्स मोर माइलेज, यूनो और जेन? दो कार है, दोनों में से किसका ज्यादा माइलेज है, यूनो का या जेन का? स्टेटमेंट वन रीड करो, क्या कह रहा है, यूनो गिव्स अ माइलेज ऑफ 45 माइल्स पर 10 लीटर विच इज 3/4 ऑफ द माइलेज ऑफ ऑल्टो। तो क्या इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं यूनो और जेन का किसका माइलेज ज्यादा होगा? नो सर, बस दिमाग में ये रखो, सफिशिएंट है या नहीं, बता सकते हैं या नहीं, बस खत्म, नहीं बता सकते। नो सर, क्योंकि जेन का तो कुछ आया ही नहीं कंपैरिजन, तो कैसे करोगे, तो नहीं बता सकते। जब स्टेटमेंट टू पढ़ना है, माइलेज ऑफ पालियो इज 4/5 ऑफ द माइलेज ऑफ ऑल्टो विच इज 2 माइल्स लेस देन दैट ऑफ जेन। क्या एस टू अपने आप में सफिशियंट है? जब एस टू रीड कर रहे हैं तो सिर्फ एस टू, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें जेन की बात हो रही बट यूनो की नहीं है, तो ये भी अपने आप में क्या है, इनसफिशियंट। एस वन में बात हुई यूनो की और ऑल्टो की, जेन की बात नहीं हुई, तो ये इनसफिशियंट है।
एस टू में क्या हुआ, पालियो ऑल्टो और जेन, बट यूनो की बात नहीं है, तो दोनों अपने आप में तो इनसफिशियंट है। तो थर्ड पर हम आते हैं, दोनों को कंबाइन कर दो, अब क्या बता सकते हैं? यस सर। यस। तो देखो सॉल्व नहीं करना है वहां, कोशिश मत करना कि हम यूनो का 445/10 4.5 माइल्स पर लीटर हो गया तो जेन का निकालने लगे कि क्या वैल्यू आएगी। सिर्फ ये समझना है, अच्छा यहाँ यूनो पता चला, उसका ऑल्टो के साथ रिलेशन हमें पता है तो ऑल्टो का आ जाएगा, जब ऑल्टो का आ जाएगा तो ऑल्टो और पालियो का आपस में रिलेटेड है और उसका जेन से रिलेटेड है, यानी यस डेटा इज सफिशियंट। बस सॉल्व नहीं करना है, उसको क्वांट का क्वेश्चन बना के जेन की निकालने लगोगे कितना माइलेज है, सिर्फ देखना है डेटा सफिशियंट है, रिलेट कर सकते हैं, आंसर आ सकता है या आंसर नहीं आ सकता, बस। तो आंसर विल बी हियर ऑप्शन नंबर 3, S1 S2 टुगेदर आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन बट अलोन बोथ आर इनसफिशियंट। क्लियर है? यस क्लियर सर। है, गुड। अब आते हैं वो पिछली क्लास में जो एक क्वेश्चन दिया था तो देखो ये एक जनरल फॉर्म होती है क्वेश्चंस की, एमबीए में कई क्वेश्चन क्या होते हैं इस तरीके के बना देते हैं, जो मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि ये पूछ रहा है इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन फॉर नेचुरल, यानी एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और ऑप्शन क्या है कि किसके लिए ट्रू होगा ये फैक्टर, क्या एन ऑड हो, एन इवन हो, कोई भी वैल्यू हो, ऑल वैल्यूज, या फिर किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन सारे सब क्वेश्चन में सेम है, हमें ये बताना है एक्स की पावर एक्स प्लस वाई इसका फैक्टर कब होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं एन की पावर कुछ है, ऑड इवन प्राइम नंबर ऐसे कुछ है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है एज्यूम करो एन की वैल्यू ले लेते हैं, नेचुरल सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, एक्स की पावर 1 प्लस वाई की पावर 1 क्या बन गया, ये एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये इसका फैक्टर है एक्स यस प्लस वाई सर। का फैक्टर है। यस। तो भाई पहली ऑड वैल्यू के लिए तो ट्रू हो गया, अब अगली एक इवन वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या एक्स प्लस वाई इसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिससे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सर फैक्टराइज कर सके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। लेकिन वो फैक्टराइज नहीं होगा ना फिर, उसमें -2ab भी तो आ रहा है ना। भैया ये कह रहा है कि क्या हम इससे पूरा डिवाइड कर सकते हैं इसे एक्स प्लस वाई को, नहीं, अगर पूरा डिविजिबल होता तो कोई ना कोई आइडेंटिटी ऐसी होती जिसमें एक्स प्लस वाई के साथ ये रिलेट हो जाता, यानी 2 के लिए ट्रू नहीं है। अब आ जाते हैं 3, एक और चेक करके देख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस क्यूब बी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आंसर एक्स प्लस वाई मिलेगा। इसका फैक्टर ये है क्या, देखो एक्स प्लस वाई ये होगा, यानी किस पे आ रहा है, देखो 1 पर आया 3 पर आया, यानी किस कौन से के लिए होगा ट्रू, ऑड फॉर ऑल ऑड वैल्यूज, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से करना है, तो जब भी ऐसे एन पी कुछ प्राइम है कुछ ये है तो एज्यूम करके कर लिया करो, डायरेक्ट कितनी चीजें याद रखोगे, तो एक दो वैल्यू एज्यूम करके देख लो और फिर हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट एक्स माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ, तो वही करते हैं, पहले एन 1 ले लेते हैं
तो ये हो गया एक्स एन प्लस, ये हो गया एक्स प्लस वाई। तो क्या एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का फैक्टर है? नहीं, नो सर, नो सर। एन इज इक्वल टू टू, तो टू पे हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फैक्टर है? नहीं। एन इज इक्वल टू थ्री और चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही जो लिखा था अभी आइडेंटिटी, क्या इसमें कहीं आ रहा है एक्स माइनस वाई? क्या फैक्टर हो सकता है इसका एक्स माइनस वाई? नो सर, नहीं। तो किसी में भी ट्रू नहीं हो रहा, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर। ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी में भी पूछ लेता है। मान लो तुमसे पूछ लेगा x की पावर n, मतलब x की पावर 38 प्लस y की पावर 38, x माइनस y से डिवाइड होगा या नहीं? आंसर क्या होगा? नो। ये डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन है, फैक्टर का मतलब है डिविजिबल है या नहीं। ठीक। या जैसे इसमें हमने क्या देखा, x प्लस y ऑड वैल्यूज पे फैक्टर है, यानी कि x की पावर 57 प्लस y की पावर 57। अगर ये x प्लस y से पूछा है तो ये क्या होगा? यस, डिविजिबल। भाई जब फैक्टर आ रहा है ऑड वैल्यू का, तो कुछ भी ऑड वैल्यू हमेशा क्या होगा? फैक्टर होगा। जो फैक्टर होगा तो डिविजिबल भी होगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्स प्लस वाई। अब देखो ये एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन बन गया, तो करना वैसी अप्रोच है, एन इज इक्वल टू वन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वन माइनस वाई की पावर वन। तो क्या एक्स प्लस वाई इसका फैक्टर है? नहीं भाई, ये तो एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई कैसे हो जाएगा? नहीं है। एन इज इक्वल टू टू ले लेते हैं, टू पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या x प्लस वाई इसका फैक्टर है? x स्क्वायर माइनस वाई, इसको हम क्या लिखे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b। तो क्या x प्लस वाई फैक्टर है? यस सर, यस सर, यस। n इज इक्वल टू थ्री, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला? आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या इसमें एक्स प्लस वाई आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा। एन इज इक्वल टू फोर, चलो एक और ले लेते हैं, एक्स की पावर फोर माइनस वाई की पावर फोर। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, लेकिन इसमें फिर से लग जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या इसमें आ रहा है एक्स प्लस वाई? यस। तो कौन कौन सी वैल्यूज पे आ रहा है फैक्टर? टू, फोर, इवन वैल्यूज, इवन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। लास्ट पे आ जाते हैं जल्दी से, लास्ट इज एक्स माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन। एन इज इक्वल टू वन लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इसका फैक्टर है? यस। एन इज इक्वल टू टू, ये आ जाएगा, क्या एक्स माइनस वाई फैक्टर है? हाँ, यस सर, इस पे भी है, इस पे भी है। एन इज इक्वल टू थ्री, ये रहा एक्स माइनस वाई, फैक्टर है। n इज इक्वल टू फोर, ये रहा x माइनस वाई, फैक्टर है। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री, ऑल वैल्यूज। यानी अगर कहीं भी ऐसे दे रखा है x की पावर 100 माइनस वाई की पावर 100 अपॉन x माइनस वाई और पूछा रिमाइंडर, तो आंसर क्या होगा? जीरो। जीरो। तो वही कॉन्सेप्ट है, कैसे भी उसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लो, जब x माइनस वाई किसी भी पावर का फैक्टर होगा तो ऑलवेज डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो।
ये पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम के वक्त, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं जल्दी से लास्ट, फिर आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली। ये रहनुमा ने भेजा था, एक पजल है, बहुत अच्छा दे रखा है। देखो दो यहाँ पर हैं, एक सती और एक है सावित्री, थ्री टेम्पल्स पे जाती है, ऑफर फ्लावर्स। पहले सती ने क्या करा, उसके पास जितने भी फ्लावर थे उसके 2/3 फ्लावर उसने उस मंदिर पे चढ़ा दिए, प्लस 1 एक्स्ट्रा फ्लावर, और 2/3 फ्लावर उस चढ़ाने के बाद टेम्पल में जितने बचे उसमें से एक और चढ़ा दिया। फिर सेकंड टेम्पल पे उसने फिर से वही काम किया, 2/3 करे जो भी बचे हुए थे उसके 2/3, और 2/3 करने के बाद जो बच रहे थे उसमें से एक फ्लावर और ऐसा फिर से थर्ड टेम्पल पे किया, तो उसके पास कितने फ्लावर बचे, सिर्फ 1। सावित्री ने क्या करा, उसके पास भी उतने ही फ्लावर थे जितने सती के पास थे, बट उसने क्या किया, 20-20 हर एक टेम्पल पे। मान लो अगर सावित्री की बात करें, अगर एक्स थे तो हर एक पे उसने 20-20-20 करे, तो उसमें लास्ट में उसके पास बचे एक्स -60। बट सती क्या कर रही है कि अगर उसके पास एक्स थे तो एक्स के 2/3 वो फ्लावर पे वहां चढ़ा देती है, तो उसके पास कितने बच रहे हैं, 1/3, बट उसके बाद एक और चढ़ाती है तो इतने बचते हैं पहले सिचुएशन में। फिर यही प्रोसेस बार बार 3 बार रिपीट किया, तो लास्ट में उसके पास कितने बचे, 1। तो ये पूछ रहा है, ये बताओ सावित्री के पास कितने बचे होंगे जब वो थर्ड टेम्पल पे आ चुकी विजिट करके, यानी ये x माइनस 60 की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ट्रिकी है, अगर तुम इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। ऐसे क्वेश्चन की सबसे अच्छी अप्रोच होती, किसी ने करे इस टाइप के कभी कोई पजल या ऐसा कोई क्वेश्चन, बैकवर्ड चलता है सर ये क्वेश्चन, यस मतलब नीचे से ऊपर, यस हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम लगाते हैं बैकवर्ड अप्रोच। याद कर लो कभी भी ऐसे 2/3 और एक निकाल दिया, जैसे कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है कि उसको इतने पैसे दिए, उसके बाद जो बचे उसके 1/3 इतने दिए, उसके बाद इसके 1/3 दिए, तो हमेशा हम बैकवर्ड चलते हैं। ये जनरल चॉकलेट वाला भी आता है सर, चॉकलेट, हाँ चॉकलेट के इतने भाई है तो उसको इतने शेयर मिला फिर उसने इतना ले लिया, मतलब एक स्टैंडर्ड अप्रोच है ये, काफी क्वेश्चन आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो हम बैकवर्ड चलेंगे, देखो सती के पास लास्ट में कितने बचे, 1 फ्लावर, लास्ट में कितना था, 1 फ्लावर। अब थर्ड टेम्पल की बात करें हम, थर्ड टेम्पल में क्या हुआ होगा, उसने एक एक्स्ट्रा चढ़ाया होगा, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2, यानी उस एक चढ़ाने से पहले फ्लावर उसके पास कितने थे, 2, और ये 2 कितने थे, टोटल के 1/3, क्योंकि 2/3 तो उसने चढ़ा दिए ना, उसके पास कितने बच रहे थे, 1/3, यानी थर्ड टेम्पल से पहले उसके पास कितने फ्लावर थे, 6। भाई सर एक बार फिर समझा दीजिए सेकंड वाला लाइन। देखो लास्ट में जब उसने सारे टेम्पल तीनों विजिट कर लिए, लास्ट में कितने बच रहे हैं, 1 फ्लावर। अब हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, मतलब माइंड में रिवर्स चलाओ, सती को रिवर्स डायरेक्शन में सोचो कि जब वो थर्ड टेम्पल पे गई तो लास्ट स्टेप उसने क्या करा था, एक एक्स्ट्रा चढ़ाया था फ्लावर, तो उस एक एक्स्ट्रा को हम ऐड कर देते, उसके पास अब कितने हो गए, 2 फ्लावर, और ये 2 फ्लावर क्या थे, जितने भी उसके पास थर्ड टेम्पल के शुरू में थे उसका 1/3, क्योंकि 2/3 तो वो टेम्पल पे चढ़ा देती, तो यानी उसके पास थर्ड टेम्पल पे आने से पहले कितने फ्लावर थे, 6। 6 के उसने 3 पार्ट किए, 2-2-2 के 2/3 यानी 4 फ्लावर उसने चढ़ा दिए, और चढ़ाने के बाद जो 2 बचे उसमें से एक एक्स्ट्रा और चढ़ा दिया, तो उसके पास लास्ट में क्या बचा, 1 फ्लावर। यही तो हो रहा है बैकवर्ड में, क्लियर, 6 फ्लावर होंगे, ये आया समझ में, यस सर,
वो क्या कर रही है, किसी भी टेम्पल पे जब उसके पास जितने फ्लावर होते हैं उसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है, तीन में से दो पार्ट उस टेम्पल पे चढ़ा देती है, जो एक पार्ट बचता है 1/3 उसमें से भी लास्ट में एक और चढ़ा देती है, एक एक्स्ट्रा और। तो थर्ड टेम्पल से पहले उसके पास कितने थे, 6। तो सेकंड टेम्पल से पहले कितने होंगे उसके पास भाई, जो 6 थे उसमें से एक एक्स्ट्रा और चढ़ाया था उसने, यानी 7, और वो क्या थे, 1/3, 21 फ्लावर होंगे उसके पास। 21 के तीन पार्ट करे होंगे उसने सेकंड टेम्पल में, 7 7 7, 7 और 7 14 वही चढ़ा दिए, जो 7 बचे उसमें से एक एक्स्ट्रा और चढ़ाती है वो, तो यानी सेकंड टेम्पल से जब वो निकली तो उसके पास कितने बचे, 6। तो फर्स्ट टेम्पल पर कितने होंगे ऐसे, कि भाई ये जो जब वो फर्स्ट टेम्पल से निकल के गई तो उसके पास 21 थे, तो अगर तुम बैकवर्ड सोचोगे तो 21 में से एक एक्स्ट्रा उसने चढ़ाया होगा 22, और ये उसके 1/3 थे टोटल के, यानी कितने थे उसके पास टोटल फ्लावर, 66। और सावित्री क्या कर रही है, हर एक पे 20 20 20 चढ़ाती जा रही, तो सावित्री के पास कितने फ्लावर्स बच रहे हैं लास्ट में, 6 फ्लावर। सो दिस इज द आंसर इस पजल का। तो ऐसी अप्रोचेस कि भाई कभी कभी क्वेश्चन आते हैं चॉकलेट वाले, जैसे कहा सर ने वो होते हैं, या फिर कि तीन जैसे पजल्स में देते हैं, चोर थे उन्होंने अपना दबा दिया, एक थर्ड थर्ड हिस्सा निकाल के आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब बहुत इस कॉन्सेप्ट में बनते हैं। तो इसकी अप्रोच हमेशा क्या होती है, बैकवर्ड। इक्वेशन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें, तो हम उल्टा सोचते हैं कि अच्छा लास्ट में एक बचा, एक से पहले एक एक्स्ट्रा चढ़ाया होगा 2, और उसके तीन पार्ट थे, यानी उसका 2 × 3 6 थे टोटल उस टाइम। उससे सेकंड टेम्पल पे आई तो 6 के साथ एक एक्स्ट्रा वो चढ़ा के निकली थी, यानी 7 हो गए, और ये टोटल के थर्ड पार्ट था 1/3, तो टोटल फ्लावर थे 21। ऐसी जब फर्स्ट टेम्पल में आई तो 21 + 1 22 × 3 66। अब इसे उल्टा करके देख लो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि 66 के 2/3 उसने चढ़ाए, उसके पास बचे 1/3 यानी कि 22, और एक एक्स्ट्रा तो बचे 21। सेकंड टेम्पल में 21 के उसने 2/3 चढ़ा दिए, उसके पास बचे 1/3 यानी 7, और फिर एक एक्स्ट्रा यानी 6। 6 का फिर 1/3 यानी 2, और एक फिर एक्स्ट्रा, तो लास्ट में कितना बचा, 1। ठीक है रेनुमा, आ गया समझ में? जी सर आ गया, थैंक यू। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब संडे होगा टेस्ट इन्हीं सारे टॉपिक्स पर, और प्रैक्टिस शीट में आज रात या कल सुबह तक ट्राई करता हूँ तुम्हें अपलोड कर दूँ। तो एनी क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं, तो फिर जल्दी से इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लो, मैं एंड करता हूँ फिर क्लास। ओके सर, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, और मेरी तरफ से मैम को सॉरी बोल देना उनकी हर बार क्लास लेट हो जाती है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।